आज हम आपको नोएडा की बदलती हुई तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल पहले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे, जैसे कि वो अपने एसी वाले कैबिन से बैठकर शहर की विकास योजनाएं बनाते हैं। लेकिन अब एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। अब अधिकारी लोगों के बीच जाकर ना सिर्फ उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने नोएडा के अलग अलग इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। लोकेश एम ने सेक्टर 49 स्थित परोला गांव के निकट लेबर चौक का, निठारी रोड का, वोड़ा महादेव मार्ग का, स्टेडियम मार्ग का और डीएससी रोड का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सड़कों की हालत खराब पाई गई है। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं वोड़ा महादेव मार्ग पर गंदगी पाए जाने पर 2 सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का भी निर्देश दिया गया है। यह वही मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी पर शहर का निर्माण करते हैं। जिन आलिशान मकानों का यह निर्माण करते हैं, इन्हें उस मकानों पर पांव तक नहीं रखने दिया जाता। नोएडा शहर में ऐसे कई लेबर चौक हैं, जहां सुबह सुबह स्त्री और पुरुष सभी मजदूर झुंड के रूप में इकट्ठा होते हैं और काम पर ले जाने वालों की राह देखते हैं। इस जगह का नाम खुद ब खुद लेबर चौक पड़ जाता है। पीने का पानी, धूप से बचने के लिए टीन शेड और बैठने के लिए बेंच लेबर चौक पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धूप हो या बारिश हो या फिर ठंड हो, इसमें सैकड़ों मजदूर खुले आसमान के नीचे अपनी दिहाड़ी के लिए खड़े रहते हैं। उनमें ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनकी गोद में बच्चे भी होते हैं। ऐसे ही सेक्टर 49 में स्थित परोला गांव के पास एक लेबर चौक है, जहां पर नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही उनके लिए पानी, शेड, बैठने के लिए बेंच और एक शौचालय की व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर कराने का आदेश अधिकारियों को दिया। वहीं मजदूरों के कार्ड पंजीकरण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मजदूरों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने की मांग पर सीईओ ने अफसरों को सहारनपुर में चल रही प्रभु की रसोई की स्टडी कराने का निर्देश दिया है। सीईओ ने सेक्टर 49 लेबर चौक के अलावा निठारी रोड का, वोड़ा महादेव मार्ग का, स्टेडियम मार्ग का और डीएससी रोड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों की हालत खराब पाई गई। उन्होंने मिसेस चेन्नई एमएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए भी कहा है। वहीं वोड़ा महादेव मार्ग पर गंदगी पाए जाने पर 2 सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का निर्देश भी दिया है। डीएमसी रोड पर पेट्रोल पंप के सामने नाले पर जगह जगह पक्के रैंप बनाकर लोहे के गेट लगवाने का भी निर्देश दिया गया है। कैसी लगी ये खबर आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नोएडा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।